आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक मीटिंग का आजमगढ़ में आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि पत्रकारों को निर्भीक होकर काम करने की दी गई थी। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील महानगर जनपद आजमगढ़ की मासिक बैठक संपन्न। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील महानगर जिला आजमगढ़ की मासिक बैठक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे, तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव की देखरेख में फरमानपुर पत्रकार कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा की गई। इसमें यह भी चर्चा की गई कि सभी पत्रकार बंधु नियमानुसार निर्भीक होकर अपने कार्य को करते रहें। इसमें किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है या किसी के द्वारा कोई अत्याचार पत्रकारों पर किया जा रहा है तो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने बताया कि पत्रकार साथी समाचारों का संकलन नियमानुसार करें, वे अपने आईडी कार्ड के साथ ही समाचार संकलन करने जाएं। वहीं तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील महानगर के सभी पत्रकार बंधुओं से उन्होंने निवेदन भी किया कि वह समाचार संकलन करने जब भी जाएं तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का अवश्य पालन करें और इसके अंतर्गत किसी भी तरह की यदि कोई समस्या होती है तो संगठन सदैव पत्रकार साथियों के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहेगा। एसोसिएशन का एक मुख्य मोटो होता है, तो आपके एसोसिएशन का क्या ऐसा मोटो है कि जिस पे आप बारीकी से काम कर लेते हैं? हमारे संगठन का बस एक उद्देश्य है कि हमारे पत्रकारों का कहीं उत्पीड़न ना हो। हमारे संगठन में जितने भी पत्रकार हैं उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अगर किसी के द्वारा की गई, किसी संबंधित अधिकारी या किसी के द्वारा की जाएगी, तो हमारा संगठन चुप नहीं बैठता है और उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ता है।